In सर मुझे तो पता <laughs> नहीं है मैं तो <laughs> पैदा ही हुआ हूँ <laughs> लेकिन म्यूजिक uh, एक ऐसा uh, एक फील्ड है uh, कि जिसमें कभी इंसान uh, हमेशा जवान ही रहेगा अगर आपको अगर आप पूरी शिद्दत के साथ है ना उसको कर रहे हैं तो मेरे तो मेरी मेरी शिद्दत जैसी पहली थी फर्स्ट डे से वैसी ही आज है और वो हमेशा बरकरार रहेगी और उसी के ज़रिए जो भी आप समझें वो है yeah. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट के चिराग पार्क और फॉरम पार्क का जिनकी वजह आप से आपसे आज बात करने का मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में आपका फर्स्ट जी ट्रिप लाइव इन कॉन्सर्ट पहली बार मेरा सोलो चिराग भाई के साथ में हो रहा है स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट के साथ में पेंड्रित पेंथर्स में पेंड्रित पेंथर्स में सो so मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकूँ और वो सब दे सकूँ जो वो एक्सपेक्ट करके मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे शो में हर रंग है हम कोशिश करेंगे हर रंग ऐसा नहीं है कि ना सिर्फ आ, आ, एक पर्टिकुलर एक स्टाइल का म्यूज़िक होगा बल्कि आ, हर इंसान का अलग टेस्ट होता है तो सभी के लिए आ, कुछ ना कुछ है और जैसा कि आपने कहा कि जावेद वर्सटाइल जावेद अली तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सके क्योंकि वर्सटाइल में अगर आप बॉलीवुड में देखें तो आ, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे जॉनर्स होते हैं लेकिन बॉलीवुड के लिए जो आ, आ, खास जॉलर्स होते हैं जैसे रोमांटिक हो गया सूफी हो गया पंजाबी हो गया सेमी क्लासिकल हो गया फोक हो गया तो ये सारी चीज़ें एंड uh, मैं पेश करूँगा और उसके साथ साथ uh, रफ़ी साहब का हाफ एन आवर का एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट हम परफॉर्म uh, करने वाले हैं uh, जितने भी रफ़ी फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली सिडनी में Uh, उन सब uh, के लिए ये एक uh, तोहफा बतौर मैं लेकर आया हूँ और मैं परफॉर्म करूँगा मेरे ख्याल से ये खुशनसीबी है ऑस्ट्रेलिया की सारी ऑडियंस के लिए जो म्यूजिकल जर्नी है आपकी अब घर जी हासिल जी जी से लेके ले अभी तू जी, जी 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 ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा आपकी वर्सेटाइल जैसे हमने बात करी डिफरेंट जोनर्स हाँ, की बात हाँ. करी खूबसूरत पल इसमें बहुत रहे होंगे मैंने हमेशा, मैंने मैंने हमेशा से यही सोचा और जब मैं म्यूज़िक फील्ड में आया तो मैंने हमेशा से यही सोचा कि एंड ऑफ़ कोर्स मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूजिकल है तो मेरे डैड का भी यही सोचना था कि जावेद अगर म्यूजिक में आए तो वो हर रंग गा सके चाहे वो क्लासिकल हो सेमी क्लासिकल हो सूफी हो रोमांटिक हो फोक uh, हो वेस्टर्न uh, हो uh, आप देखेंगे ऐसा सिर्फ कहने के लिए नहीं है लेकिन आ, मैंने सूफ़ी भी गाया है कौन फायकुन अर्जियाँ मैंने एक दिन तेरी राहों में गुजारिश वेस्टर्न स्टाइल के आ जाओ मेरी तमन्ना ये गाने भी गाए हैं रोमांटिक सॉफ्ट रोमांटिक में कहने को जश्न बहारा है ही हकीकत इशक ज़ादे तो ये सारे गाने एंड कोर्स क्लासिकल में बहुत सारे क्लासिकल uh, में uh, अब घर आ जाओ जैसे आपने बताया क्लासिकल गाना है एंड फोक में तुम तक वो थोड़ा सा फोक स्टाइल का है थोड़ा सा उसके अंदर वो रंग है तो सारे जॉनर में मुझे मेरी ऑडियंस ने प्यार दिया है एंड कोर्स आप देखें कि अभी रिसेंटली जो श्रीवली गाना आया वो एक अलग लेवल पे गया उसका उसमें मैंने ना थोड़ा सा चेंज किया मेरे स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट किया थोड़ा इवॉल्व किया अपने आप को तो ये सारी चीज़ें uh, मैंने की और हमेशा यही सोचा है कि uh, अपने आप को वक्त के साथ में कैसे आप चेंज करते रहें उसके वक्त के साथ कैसे uh, आगे बढ़ते रहें तो हमेशा मैंने यही सोचा है और इसलिए मुझे ये टाइटल मिला कि वर्सेटाइल जावेद अली you know, जावेद अली अगर मैं बात करता हूँ मेरे ख्याल से द वर्ल्ड

फायकु कुायकु फायक फायकु फायक कुन जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, सदक मेरे ना रोमटे इस समय खड़े हो रहे हैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ चिराग पारे का बिफोर ए मूव फॉरवर्ड इवेंट के लिए टिकेट्स अगर सिडनी में रहने वाले या सिडनी के आसपास जो भी ऑडियंस है आना चाहें starallianceentertainment.com से ले सकते हैं पेनरिथ पेंथर्स में शो होने जा रहा है एंड ट्रस्ट मी इट इज गोना बी ए ट्रीट दैट यू विल रिमेंबर फॉरएवर श्रीवल्ली की बात की आपने जी ऑल टुगेदर डिफरेंट ज़ोनर उस समय जो एक्सपीरियंस था वर्सेस अभी जैसे हमने ये स्पिरिचुअल सॉन्ग की बात की वेरी डिफरेंट सोनर्स हाउ डू यू मैनेज द ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कुछ तो uh... Uh, एक आर्टिस्ट की सोच होती है उसके पीछे और कुछ चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं तो ये जो सोच चेंज होती रहती है ये जो uh, स्टाइल चेंज करता रहता है आर्टिस्ट uh, इस पर दोनों का बैलेंस होता है अगर हम सोचेंगे नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना कोई भी हमें नया गाना मिलता है कोई भी हम नया गाना गाते हैं तो हमारा हम उसको दस तरह से गा सकते हैं अलग अलग स्टाइल से बट आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन uh, के लिए क्या सही है वो फिर वो uh, uh, सोचना पड़ता है तो जब ये गाना मुझे मिला श्रीवली <coughs> जी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग स्टाइल में ट्राई करूं जो मैंने कभी पहले किया नहीं है uh, इसमें मैंने ना अगर म्यूज़िकली आप देखें तो मैंने वोकल फ्राई यूज़ किया है इस गाने में खसकी uh, टोन यूज़ किया है इसमें ग्रंज यूज़ किया है <coughs> इस गाने में गायकी है गायकी भी अगर आप देखें पूरा गाना आपने सुना है तो ये जो स्टाइल है ना तेरी झलक शर्फी श्री बल्ली मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्री बल्ली बातें करें तो ये सिंगिंग में ये स्टाइल गानों में कोई यूज नहीं करता hmm. ये स्टाइल कोई यूज नहीं करता ये नया है सिडनी के ऑडियंस, ट्रस्ट मी, यू मिस क्योंकि uh, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है स्टडी किया है सीखा है क्लासिकल म्यूजिक सीखा है uh, तो उसके पीछे ना ये उसमें से फिर आप Uh, सोच के आप डिसाइड uh, कर सकते हो कि ये करेक्ट रहेगा या ये करेक्ट रहेगा तो मैंने कोशिश की है कि ना uh, क्या नया किया जाए इसमें तो वो एक्सेप्ट हुआ और uh, मैं अपने जितने भी फैंस हैं उनको उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने uh, एक अलग स्टाइल में मुझे जगह दी अपने दिलों में और uh, मुझे अपने दिलों में बसाया इट इज बी अर्लियर एज वेल ट्रीट ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए जी। चिराग भाई ने आपको यहाँ इन्वाइट किया हमें मौका मिलने जा रहा हम आपको लाइव देख पाएंगे कजरारे हाँ उसका एक मैं ये लेके चलता हूँ भी एक इरा कजरारे से पहले का और एक इरा कजरारे के बाद का जी आपने क्या डिफरेंस महसूस किया देखिए कजरारे गाने गाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एक सिंगर को कभी भी सोलो गाने की जरूरत होती है जिसमें वो किसी के साथ शेयर ना किया जाए तभी उसके ऊपर फोकस आता है पूरी दुनिया का तो कजरारे जब गाना आया था तो वो गाना फीमेल ओरिएंटेड गाना था अलीशा जी ने गाया था कोर्स बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शंकर महादेवन जी शंकर एहसान लॉय का उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत गाना दिया था बट लोगों को लोगों का ध्यान गया था कि ये जावेद ने गाया है ध्यान गया था मेरे लिए फायदा भी हुआ था काफ़ी जो लोग मेरे साथ में काम नहीं करते थे उनके साथ में भी थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था बट एक सोलो हिट गाने की जरूरत थी तो फिर वो वो गाना आया एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊँगा वो गाके मैं शो में सुनाऊँगा <laughs> ये सुनने के लिए आपको डेफिनेटलीफीन ऑफ सेप्टेम्बर आना पड़ेगा और टिकट्स के लिए स्टार्समेंट डॉट कॉम और एक और चीज़ बात बताता हूँ मैं आपको कजरारे की बात निकली है ना तो कोई भी आर्टिस्ट कोई भी सिंगर जब आपको कोई कंपोज़र या बहुत बड़े प्रोडक्शन से आपको आ, कोई गाने के लिए बुलाया जाता है तो कोई मिस नहीं करना चाहता वो गाना अब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि आपको मिस नहीं करना ये गाना दूसरी चॉइस अगर हो जाए तो आप क्या करोगे तो उस गाने के लिए मैंने ना ऐसे वहाँ बैठ के सोचा कि इस गाने को अगर गाना है और ये गाना अमित जी के ऊपर और अभिषेक बच्चन के ऊपर है तो इसमें क्या करना चाहिए तो मैंने दिमाग लगाया और मैंने कहा कि किशोर दा बहुत सारे गाने गाते थे अपना इनके इनके ऊपर अमित जी के ऊपर जी तो किशोर दा ने वो गाना गाया था इंतहा हो गई इंतजार आई ना कुछ खबर मेरे यार की तो मैंने कहा इसमें लूज करके वॉइस गाया तो मैंने वो स्टाइल कजरारे गाने में गाया कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे का ये स्टाइल मैंने उसमें यूज़ किया था नो you know, मैं लिस्नर से एक बात और शेयर करना चाहूँगा क्योंकि बॉलीवुड में हिंदी गानों के अलावा आपने मल्टीलिंगुअल और कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी गाने गाए हैं मैंने तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम बंगाली गुजराती मराठी पंजाबी और और कौन सी तुलु और राजस्थानी मोस्टली सारी लैंग्वेज में गाया है और बाय द ऑफ़ गॉड वो सभी लैंग्वेज में मुझे एक्सेप्ट किया बहुत, बहुत बहुत प्यार मिला है स्पेशली साउथ इंडस्ट्री में मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग बहुत सारे गाने आते रहते हैं उसमें हा? मैं चंडीगढ़ से आता हूँ एंड ट्रस्ट मी इन पंजाब एवरीबडी लव्स जावेद अली थैंक यू सो मच पंजाबी का आपके गुनगुनाने का कभी मन करे तो क्या गुनगुनाते हैं hmm, कदो सुख नल सो गे सुख सडे लुटे जना ओ यू नो मेरा दिल तो ये करता है भी मैं आपके साथ बातचीत करता रहूं करता रहूं बट मेरे को टाइम लिमिट है चिराग भाई ने जैसे बोला तो नेक्स्ट अभी इवेंट में आपको पहुंचना है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जिस शो में कि जैसे कि हमने बताया है हमारी ऑडियंस को कि जितने भी रफी साहब के फैंस हैं उन सभी को बताया कि इस साल हम हंड्रेड इयर्स रफ़ी साहब के सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे साल तो मुझे बहुत प्यार मिलता है जब भी मैं रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ तो एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट रहेगा जिसमें हाफ एन आर मैं सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब के गाने सुनाऊँगा तो प्लीज़ आप इसको मिस ना करें मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस शो में आएंगे और इस शो का मज़ा उठाएँगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे है प्यार लोगों को आपकी तरफ से मिलने वाला है इस इवेंट में क्योंकि जिस तरह की वर्सटैलिटी की बात कर रहे हैं जिस तरह के डिफरेंट जोनर्स की बात कर रहे हैं और अभी आपने रफी साहब का आधे घंटे का सेगमेंट की बात करी है ट्रस्ट में सोने पे सुहागा वाली वाली बात होने वाली है जी जी जी, जी। न्यू टैलेंट्स आर कमिंग अप और आज की डेट में इतने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई मौका कहीं ना कहीं मिल जाता मिल जाता है पर रियाज मेरे हिसाब से किसी भी मौके से ऊपर बड़ा होता है आने से पहले इंडस्ट्री में आपकी तरफ से सजेशन इन सब अस्पायरिंग सिंगर्स को क्या रहेगी एक्चुअली आजकल सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं सबको पता है आ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि हार्ड वर्क जो है प्रैक्टिस रियाज जो है वो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है अगर वो आपका सही है तो आपको जब मौका मिलेगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं अगर वहाँ कमी है अगर आपको मौका मिलेगा तो फिर वो छूट जाएगा अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस रियाज बहुत ज़रूरी है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए बस बाकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है प्लेजर टॉकिंग टू यू जावेद भाई जाने से पहले फाइनली मेरी तरफ से इन्विटेशन ना देते हुए मैं जावेद भाई से बोलूँगा अभी सिडनी में रहने वाले सभी ऑडियंस के लिए एक इन्विटेशन uh, दोस्तों मैं इस कंट्री में पहली बार अपने सोलो इवेंट के साथ में आया हूँ और बड़ी उम्मीद है कि आपका बहुत सारा प्यार मिलेगा मुझे और इसी उम्मीद के साथ मैं फिफ्टीथ को यहाँ सिडनी में परफॉर्म कर रहा हूँ जो कि हमारा पहला कॉन्सर्ट है चिराग भाई के साथ स्टार अलाइंस एंटरटेनमेंट के साथ तो आपका पूरा प्यार देने के लिए आप आइए क्योंकि वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस शो में आपको सब कुछ कोशिश करेंगे कि सब कुछ पूरा एंटरटेनमेंट दे सकें और भरपूर एंटरटेनमेंट दे सकें तो आपका इंतज़ार रहेगा फिफ्टीन को ज़रूर आइएगा बेसब्री के साथ आपका इंतज़ार करेंगे थैंक यू सो मच आज मैंने किया हिंदुस्तान से अभी अभी पहुँचे वर्सिटाइल सिंगर जावेद अली जी के साथ बातचीत और सुने दो तीन प्यारे प्यारे गीत मैं आपका नवदीप जब जी थैंक यू सो मच थैंक यू सर times.